गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10. सो वी आर रीडिंग इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस. माई सेल्फ पारो मैम फ्रॉम पैराडाइज कन्वेंट स्कूल एंड वी आर रीडिंग फर्स्ट फ्लाइट बुक चैप्टर नंबर 1 आर रिलेटेड टू गॉड. वी हैव कंप्लीटेड आफ्टर दैट वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट पोएम डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट विथ हिज समरी एंड येस्टरडे आई हैव सेंट यू द क्वेश्चन आंसर PDF ऑन द ग्रुप. Some of the students have sent me, but lot of the students did not send me right now. So जिन लोगों ने नहीं भेजे हो उनका जिम्मेदारी वो अपना उठाएगा. I will never repeat it in the class. जब भी स्कूल खुलेगा इसका मैं रिपीटेशन नहीं करूँगी. Because in this poem मैं poetic device भी सिखा दे रही हूँ और साथ ही साथ rhyming scheme वगैरह भी साथ ही साथ सिखा दे रही हूँ. So जो नहीं पढ़ना चाहता है वो ना पढ़े, लेकिन क्लास में इसका रिपीटेशन नहीं होगा. Because in this year CBSE had not give any deduction on the syllabus. कोई deduction नहीं है, हमें बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना है and we have waste our lot of the time. सो जहाँ पर मैं जो भी काम दे रही हूँ वो जो टाइम पे कंप्लीट करेगा उसका कॉपी चेक होगा. नाइदर इट विल योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. एनीवेज टुडे वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड दैट इज नेम ऑफ फायर एंड आइस. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिर रॉबर्ट फ्रॉस्ट का दूसरा कविता जिसका नाम है फायर एंड आइस. फायर मतलब आग, आइस मतलब बर्फ, हम सब जानते हैं. बट इन द पोएम मैंने तुम लोगों को बताया था, इन द पोएम हियर इज द जेन्युइनली हियर विल बी द टू मीनिंग्स. वन इज लिटरेरी मीनिंग एंड द सेकेंड वन इज मेटाबॉलिक मीनिंग. लिटरेरी मीनिंग्स मीन जो कि नॉर्मल होता है, फायर का मतलब आग, आइस का मतलब बर्फ. लेकिन यहाँ पे मेटाबॉलिक मीनिंग बताया गया है जहाँ पे फायर को डिज़ायर के लव पैशन डिज़ायर के साथ यूटिलाइज किया, सिम्बलाइज किया गया है और आइस को किया गया है हैट्रेड रिग्रिटी इंटॉलरेंस के साथ, मतलब घिन के साथ. ऐसे क्यों क्यों फायर और आग और बर्फ के साथ नफरत और इच्छा, पैशन, लालच, ये सब मैम आप क्या बता रहे हैं? बिकॉज मैं क्या बोली थी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ अ अमेरिकन पोएट जो कि फेमस फॉर द रियलिटी ऑफ हिज लाइफ. जो भी उनका कविता रहता है वो वास्तव के साथ जुड़े रहते हैं और जो हम लोग जिसको एक्सपीरियंस करते हैं हर एक मोमेंट पर. सो लेट्स स्टार्ट. पहले हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे, उसके बाद देखेंगे इसका पोएटिक थीम. सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस. कुछ लोग बोलते हैं एक दिन ये पृथ्वी विनाश होगी या तो आग से, तो कोई बोलता है, कुछ लोग बोलता है या तो बर्फ से. अच्छा एक बात, हर एक सृष्टि का विनाश है. जैसे कि हम पैदा हुए हैं तो हमारा मरण अनिवार्य है, मतलब होना ही है. मॉर्टल इमॉर्टल जो कि चीज़ रहती है ये होना ही है. वैसा ही पृथ्वी का भी विनाश होगा. तो विनाश जो होगा इसका दो कारण हो सकता है. कुछ लोगों की नज़र से ये या तो बर्फ़ से पिघल के बहुत ठंडा ही हो जाएगा, एक दिन पृथ्वी ऐसे हालत में आ जाएगा सूरज का मुंह ही नहीं देख पाएगा, हमेशा ठंडा ही विराज ठंडा मौसम रहेगा एंड द अर्थ विल बी डिस्ट्रॉयड. या कुछ लोग बोलते हैं या तो पृथ्वी जो अपना ग्रेविटेशन फोर्स के दौरान जो सन को प्रदक्षिण करते हैं, सन से जो ऑर्बिट में लाइन में जो एक्सिस लाइन में घूमते रहते हैं, कभी इतना सन के करीब चले जाएंगे कि इतना पृथ्वी में गर्म होगा कि सब गर्म में जल के मर जाएंगे, मतलब विनाश हो जाएगी. तो ये दो तरीके के लोग का दो तरीके का विचार है. फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज़ हु फेवर फायर. अब ये जो दो लाइन है आप बोल रहे हैं, ये पहला दो लाइन में हम नॉर्मली मीनिंग बोले कि कुछ लोग बोल रहा है पृथ्वी आग से विनाश होगा, तो कुछ लोग बोल रहा है पृथ्वी बर्फ में पिघल के विनाश होगा. लेकिन दूसरे लास्ट टू स्टैंजर फर्स्ट स्टैंजर के नीचे के दो लाइन में कभी बोल रहा है व्हाट फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर. डिज़ायर मैं पहले ही बोली थी, फायर का मतलब है यहाँ पर मेटाबॉलिक मीनिंग में डिज़ायर, मतलब इच्छा. अब इच्छा किस बात का, लालच, प्यार का, पोजिशंस का, पावर का, पैसे का, कुर्सी का, मतलब ये इच्छा ही होता है जो हम लोग को बहुत ज़्यादा बर्बादी करने की जगह पे खड़ा कर देता है ना. देखो जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, टाटा बिरला अंबानी जितने भी लोग हैं, क्या कोई बोलेगा नहीं मुझे और पैसा नहीं चाहिए, मुझे और अपना इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ाना है, हम यहीं पर कम्पीट करेंगे. लोग बोलते हैं मुकेश अंबानी, नीता अंबानी के घर के जो टॉयलेट भी है वो भी सोने का बना हुआ है. तो दिस इज़ कॉल्ड डिज़ायर. मतलब तो क्या अगर उन लोगों को बोला जाए आप अपना सारा जो जायदाद है वो गरीबों में बांट दीजिए, करेगा? नहीं करेगा, बल्कि ये करेगा उनको और भी ऊपर जाना है.
तो ये डिज़ायर होता है पैशन, मतलब ऊपर जाने का। तो कहीं ना कहीं ये जिसके पास जो है वो उसी में संतुष्ट नहीं रहता है, उससे भी आगे चल के आगे का सपना देखता है। तो ये सपना भी कभी एक दिन वजह बनेगा विनाश का। विनाश का मतलब उस यहाँ पे पृथ्वी का विनाश का नहीं, उस इंसान के विनाश का, जो ज़्यादा लालच रखेगा, जो ज़्यादा डिज़ायर रखेगा, पैशन रखेगा, पोजिशन का लालच रखेगा, कहीं ना कहीं उसका खत्म पतन होने वाला है। एंड आई होल्ड विथ दोज हु फेयर फायर। और सच में अगर मेरे बात बोलो, मतलब लेखक बोल रहा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोल रहा है, अगर मेरा भी बात बोलो तो मैं भी यही फायर की तरफ के ही लोग हूँ, मतलब जिसके जिनके अंदर डिज़ायर है, पैशन है, पोजिशन है, प्यार का लालच है, सब कुछ है, तो मेरे भी अंदर यही है। नाउ द सेकंड स्टैंडर्ड, बट इफ वी हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट to say that for destruction eyes is also great and would suffice। अब क्या बोल रहा है, लेकिन अगर कभी पृथ्वी को दो बार खत्म होना पड़ा, नहीं समझे, मतलब मान के चलो एक बार आग से खत्म ही हो गया, मतलब वही डिजायर से खत्म हो गया लोग, ये तो हो सकता है, जिसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन कभी अगर ऐसा मौका आया कि तुम्हें होता है ना फांसी सजा सुन टाइम बोला जाता है, आपका आखिरी इच्छा बोलिए बोलता है ना, तो वो अगर उस हिसाब से हम लेंगे कि ऐसा मौका मिला कि नहीं, लव, पैशन, डिज़ायर, प्यार, मोहब्बत, पोजीशन, ये सब से ख़त्म नहीं, मैं दूसरे तरफ से ख़त्म करूँगा लोगों को या अपने आप को, वो रास्ता क्या है, आइस का, मतलब यहाँ पे उस आइस को बोला गया है हेट, मतलब नफ़रत, जो कि सबसे ज़्यादा है। तुम लोग क्लास में पढ़ रहे हो, जितने भी दोस्ती निभाओ, हर किसी के अंदर हर किसी को बीट करने का एक नफरत है। कोई ना कोई चाहता है मुझे उससे अच्छा नंबर मिले, उससे मैं उससे अच्छा ड्रेस मिले, उससे अच्छा मैं सर के सामने प्रेजेंट करूँ, उससे अच्छा मैं डांस करूँ, सब सब सब, इवन मी ऑल्सो, सब के अंदर ये भावना है कि नफरत का। अब ये नफरत भी दो तरीके का होता है। एक नफरत होता है जो कि हम मानते हैं कि हाँ मैं चाहती हूँ कि उसका बर्बाद हो, लेकिन उसके साथ मैं सामने जब रहता है बहुत अच्छे से दोस्ती निभाती हूँ, लेकिन मन ही मन उसका बुरा चाहती हूँ, ये एक नफरत है। और दूसरा एक नफरत है जो कि आप मैंने किसी को गिराने के लिए, किसी को मौत तक मारने के लिए, मैंने कैसे उसका बुरा किया जाए, वही उसका काम है, वो भी है आइस, मतलब हेट, रिगिडिटी का, इनटॉलरेंस का एक एग्जाम्पल, मतलब जिसके ध्यान, ज्ञान, प्राण, धर्म, कर्म सिर्फ दूसरों की बर्बादी ही है। तो दो तरीके का बर्बादी है ना, एक बर्बादी, एक नफरत क्या है, हाँ ऊपर में हम दिखा रहे हैं हम दोस्त हैं, हम आपसे अच्छे से बात कर रहे हैं, लेकिन मन ही मन खुचुर पुचुर कर रहे हैं ना, मन ही मन उसको गाली दे रहे हैं, उसको उसका खराब चाह रहा है, उसका बुराई कर रहे हैं, वो एक तरीके का है। और एक जो दूसरे तरीके का नफरत है, वो सिर्फ चाहता है कि किसी का सिर्फ बर्बादी ही हो, लेकिन वो ये नहीं चाहता है, वो जानता है कि दूसरे का बर्बादी लाते लाते वो खुद भी अपना अच्छा समय, जो कि अच्छे काम करके बिता सकता था, दूसरों के बर्बादी को गिनते हुए वो अपने अच्छा समय को खराब कर चुका। तो कभी बोल रहा है अगर पृथ्वी को दो बार मैंने दूसरा कोई मौका मिला था विनाश होने का, तो मैं सोचूंगा कि ये डिज़ायर तो फिर भी ठीक है, मतलब इसमें तो प्यार मोहब्बत का ही लालच है ना, आगे जाने का लालच है ना, लेकिन ये नफरत जो चीज़ है ना, ये सच में दुनिया को एक दिन तबाही मचा देगा। देखो हो भी रहा है, भारत पाकिस्तान, भारत चीन, सबके साथ सबका झमेला, ये चाहता है उसको विनाश कर दे, वो उसके आतंकवादी भेज रहे हैं, वो इतना लोग मार रहे हैं, ये सब क्या है, नफरत, आतंकवाद, जो टेररिज्म देखते हैं हम लोग, टेररिज्म के लोगों का ध्यान ज्ञान क्या है, क्या पढ़ाई लिखाई करके वो लोग इंसान नहीं बनते, नहीं हो सकता है, कोई सर्कमस्टेंसेस में उन लोगों को सुविधा नहीं मिली और वो लोग आतंकवाद हो गए। अब जैसे कि आतंकवाद हो गए, हर टाइम उन लोग का मन में क्या है, नफरत, ये बोमा इधर बोमा ब्लास्ट करवाओ, उधर वो बिल्डिंग उड़ा दूँ, वहाँ पर प्लेन हाईजैक कर लूँ, दीज आर द ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ आइस व्हिच इज मेटाबॉलिक मीनिंग स्टैंड्स हियर एज ए इंटॉलरेशन मेनली इज हेट और हैट्रेट, जो कि घिन और नफरत से पैदा होता है। तो दिस इज द पोएम फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जहाँ पे कवि का कहना है कि
पृथ्वी, नॉर्मल लैंग्वेज में बोले हैं कि कुछ लोग बोलते हैं पृथ्वी या तो एक दिन आग में जल के खाक होगा या तो बर्फ़ में पिघल के खाक होगी। यहाँ पे आग को अब दूसरे लेवल में कवि ने सोचा है, आग को सोचा है डिज़ायर बोल के, जो डिज़ायर है लव पोजिशंस पावर का, और आइस का जो आइस स्टैंड किया है हेट करने का, मतलब नफरत करने का, हेट्रेड का, इंटॉलरेशंस का, ठीक है। तो ऐसे ही रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने हमें ये चीज़ का कन्वे थ्रू आउट दिस पोएम, पोएट वांट टू कन्वे द मैसेज कि डिज़ायर से फिर भी चलो डिज़ायर रखो, हाँ ऊँचा उठने का सपना फिर भी देखो, चाहे वो जो होगा देखा जाएगा, लेकिन नफ़रत तो बिल्कुल ना करो। अगर नफ़रत करोगे तो तुम जिसको नफ़रत कर रहे हो उसको अभी बर्बादी हो रहा है, साथ ही साथ तुम्हारा भी बर्बादी हो रहा है। तो वो काम जो कि नफ़रत करते हुए तुम बिता रहे हो, ख़राब कर रहे हो, वो समय तुम्हारा वापस नहीं आएगा। और ऐसा ही अगर हम लोग करते रहे तो सच में एक दिन हम इंसान का विनाश मतलब समाज का विनाश, समाज का विनाश मतलब पृथ्वी का विनाश, पूरा विश्व का विनाश। तो ऐसे ही एक दिन विश्व क्या होगा, ध्वंस हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो हियर इज़ द थीम ऑफ द पोएम फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। टुमारो आई विल सेंड यू द समरी ऑफ द फायर एंड आइस, यू पीपल हैव टू कम्प्लीट इट इन फेयर कॉपी एंड सेंड इट टू मी। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे इस कविता का पहला देखेंगे राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम हम लोग डस्ट ऑफ स्नो में भी किए, क्या मैं क्या बोलूँ, राइमिंग स्कीम मतलब हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं जो कि छंद मिलता है। देखो पहले लाइन में क्या बोला है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, फायर फायर के साथ क्या मिल रहा है, डिज़ायर, फिर फायर, फायर डिज़ायर फायर, सुनने में एक है। तो फायर को ए, डिज़ायर को भी ए, फायर को भी ए, और आइस नहीं मिल रहा है तो आइस को करेंगे बी। तो पहला स्टेंजर का राइमिंग स्कीम होगा ए बी ए ए। आई रिपीट इट अगेन, पहला स्टेंजर का राइमिंग स्कीम होगा ए बी ए ए, ठीक। नाउ इन द सेकेंड स्टेंजर, सेकेंड स्टेंजर में क्या हो रहा है, बट इफ ई टैट टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। अब देखो कहाँ कहाँ मिल है, ट्वाइस आइस सफाइस है, तो ट्वाइस आइस एंड सफाइस को हम लोग करेंगे सी सी सी, ठीक है, नहीं सॉरी बी किए थे ना, आइस को बी किए थे, तो यहाँ पर भी ट्वाइस आइस एंड सफाइस को करेंगे बी, और हेट एंड ग्रेट को करेंगे सी एंड सी। तो सेकेंड स्टेंजर का होगा बी सी बी सी बी, सेकेंड स्टेंजर का राइमिंग स्कीम क्या होगा, बी सी बी सी बी, फर्स्ट स्टेंजर का होगा ए बी ए ए, सेकेंड स्टेंजर का राइमिंग स्कीम होगा बी सी बी सी बी, ओके। ऐसे करके राइमिंग स्कीम जब स्कूल ओपन हो जाएगा और भी ब्लैक बोर्ड में हम अच्छे से समझा देंगे, बिकॉज राइमिंग स्कीम इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फाइनल स्कूल बोर्ड एग्जाम, ओके। तो सो टुमारो आई विल सेंड यू द समरी, इसके साथ फायर एंड आइस का पोएटिक डिवाइस वी विल गेट डिस्कस ऑन टुमारोज वीडियो। हैव ए नाइस डे एंड गुड बाई।